13.5% वोटों के साथ हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं और जिधर चले जाएंगे उधर ही जीत इकट्ठी होती चली जाएगी। और चार प्रदेशों में चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, अपना वजन दिखाने के बाद, कुमारी बहन मायावती जी साफ कह चुकी हैं जब वो फैसला करेंगे कि उनको क्या करना। नमस्कार दोस्तों, बीएसपी के लोकसभा सांसद मलूक नागर ने 2024 में इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर दिए बड़े संकेत, दिया है ये बड़ा बयान। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा के सांसद हैं मलूक नागर, इन्होंने कहा है कि अगर बीएसपी सुप्रियो मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन करेंगी तो इस बात का ऐलान चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही करेंगी। उन्होंने कहा कि चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इसके लिए बसपा तैयारी कर रही है और जब चार महीने बाद इन राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे तो आपको बता दें कि वो लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बहन जी कुछ निर्णय ले सकती हैं। मलूक नागर, जो कि आपको बता दें कि बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हम 13% वोट परसेंटेज के साथ बीच में खड़े हैं, हम जिस पार्टी को चाहें वही पार्टी सबसे ज़्यादा एमपी जीतकर 2024 में सरकार बनाएगी, यूपी में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। इस तरीके की बात जो है बीएसपी के सांसद ने बोली है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कॉमेंट